आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम ट्रायल बैलेंस तो देख चुके थे ना हम लोग, क्या स्टार्ट करना है क्या प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ठीक है, आज की टॉपिक है हमारी प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, क्योंकि तो पिछली क्लास में ट्रायल बैलेंस खत्म हुआ था हमारा, और आपने ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट भी देख लिया था क्यों, और आपने तैयार भी किया था क्वेश्चन। बेसिकली आपको आइडिया मिल गया है कि ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करते हैं, बात क्लियर है। और बहुत ही आसान था, सिर्फ आपको अकाउंट्स के बारे में जानना था, उसका नेचर क्या हो सकता है। नेचर दो ही चीजें होंगी, या तो क्रेडिट होंगी या तो डेबिट होंगी, और आप एक्चुअल में जान चुके थे। अच्छा, याद रखिएगा, जब भी सिर्फ सैलरी वर्ड आए तो समझिए सैलरी दे ही रहे हैं, जब भी वेजेज आए समझिए वेजेज दे ही रहे हैं, यानी जब रिसीव्ड वर्ड जुड़ जाएगा तब तो पता चलेगा, क्योंकि कई लोग कहते हैं सर यहाँ कहाँ पता चल रहा है सैलरी दे रहे हैं कि पा रहे हैं। सिर्फ सैलरी लिखा है मतलब दे रहे हैं, सैलरी पेड लिखना जरूरी नहीं है। सिर्फ सैलरी लिखा है तो सैलरी मतलब दे ही रहे हैं, और सैलरी रिसीव्ड लिख जाए तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो तो पता ही है, पैरेटिक मिल रहा है, और मिल रहा है तो नेचर क्या होगा, प्लस की माइनस, प्लस यानी कि, बात क्लियर है ना। ठीक, अच्छा ये था ना प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। तो मैंने बता दिया था दो टाइप से, पहला से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट की बात हुई थी, और दूसरा बैलेंस शीट की बात। ठीक है, ट्रेडिंग का भी बताया भी थे, अब कहते फॉर्मेट ऐसा होता है ना, फॉर्मेट बता दिया था ना मैंने आपको, एक्सप्लेन कर दिया था फॉर्मेट, और फॉर्मेट भी यहाँ पे एक क्वेश्चन दे, फिर से मैं फॉर्मेट दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, फिर से ध्यान रखिएगा। सबसे पहले दो साइड आपके होते हैं, क्रेडिट साइड और एक डेबिट साइड। एक क्रेडिट इधर वाला जो ओपनिंग स्टॉक वाली बात हुई है, और क्रेडिट साइड आपका वो है। ठीक है, बात क्लियर है। अब याद रखिएगा, ओपनिंग स्टॉक दिया है तो कुछ सोचना नहीं है, ओपनिंग स्टॉक भी पहले अकाउंट बनता है, ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस तुरंत अमाउंट में लिख देंगे, कोई सोचना नहीं है। लेकिन अगर परचेज का अमाउंट दिया है तो परचेज का अमाउंट लिख देते हैं, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन में ढूंढेंगे कहीं परचेज रिटर्न तो नहीं दिया है। अगर परचेज दिया है मान लो 50,000 का, तो परचेज सामने परचेज का बैलेंस 50,000, और परचेज रिटर्न मान लो 10,000 का, तो यहाँ भी 10,000 लिखेंगे, या तो घटा के वहाँ 40,000 लिखेंगे। लेकिन अगर सीधे सीधे केवल परचेज दिया 50,000 का, तो लेकिन ये अकाउंट लिखेंगे क्या रिटर्न वाला, रिटर्न तभी लिखेंगे जब क्वेश्चन में दिया होगा, जो नहीं दिया है नहीं लिखेंगे, समझा रही बात ना। और अमाउंट डायरेक्टली लिखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस में मैंने बताया था, नाम पढ़ के पता चल जाएगा आपको कि क्या है एक्सपेंस है, प्लेट ऑफ राइट फ्यूल फेड एंड फॉरवर्डिंग चार्ज कैरी चार्ज कैरी चार्ज, और जो भी रेफ्रिजरेंट जो भी रेंट, सब डायरेक्ट एक्सपेंस में। हाँ, लिखना चाहे तो आप ऐसे करके लिख भी सकते हैं एक एक करके कि क्या है, मान लो वेजेज है 800 रुपए का, रेंट है 500 रुपए का, मतलब ऐसे लिख के, और तब तो जोड़ के टोटल अमाउंट टू डायरेक्ट एक्सपेंस करके यहाँ पे लेन देन, समझ वाली बात ना। ऐसे भी कर सकते हैं, या ब्रैकेट में सारे जितने अकाउंट लिए सबका नाम लिखते जाइए अपने साइड में नोट करके, भाई टू डायरेक्ट एक्सपेंस तो मान ली बनी नहीं बनेगा। यहाँ देखिए कि टू डायरेक्ट एक्सपेंस तो यहाँ लिखेंगे ही लिखेंगे आप लोग, जो बनाएंगे तो लिखेंगे ना टू डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस लिख दिया, डी लिख दिया मैंने। ठीक है, अब ब्रैकेट में जितना भी दिया होगा ना कामा करके लिखते जाइएगा, वेजेज कामा भाई इलेक्ट्रिसिटी रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी रेंट मान लो, और कुछ हो गया फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज हो गया, वो भी हो गया, सबको लिख के इस सबका अमाउंट कहीं कॉपी पे साइड में जोड़ लेंगे, और तब डायरेक्ट सेक्शन के सामने जो अमाउंट वाला सेक्शन दिया है यहाँ पे डायरेक्टली अमाउंट लिख देंगे। बात क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत। अगला ये तो आप बाद में क्लियर करेंगे ना, लास्ट में जब दोनों साइड का बैलेंस जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा किधर लिखना है। अभी नहीं कि दोनों लिख देंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट बाय ग्रॉस लॉस लिख देंगे, नहीं, ये फॉर्मेट का हिस्सा नहीं है, ये आपको लास्ट में निकालना है, समझा जी बात। अगर क्रेडिट साइड में अंतर आता है तो लास्ट होता है, डेबिट साइड में अंतर आता है तो प्रॉफिट होता है, बात कई बार मैं बता चुका हूँ डायग्राम बना बना के, है ना। तो ये क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप लोग करिए, और मतलब नोट्स वगैरह मत मत निकालिएगा आप लोग, अंदर रहने दीजिए और कॉपी पे अच्छे से करिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आप लोग को, फॉर्मेट याद हो गया ना, इधर क्या क्या रहेगा, ऐसे नॉर्मल आके बंद करिए सब लोग, नॉर्मल बोलिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, क्या लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, आके बंद ही रहने दीजिए, उसके बाद नीचे क्या होगा परचेज, क्या होगा परचेज, उसके जस्ट नीचे क्या करेंगे
25 रिटर्न क्या करेंगे, समझ रहे, दोनों का पहले घटा उठा के अमाउंट में लिख देंगे। उसके नीचे क्या होता है बच्चों, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, जितना भी होगा उतना बैलेंस लिख देंगे, हो गया, डेबिट साइड का खत्म हो गया। अब क्रेडिट साइड पे चलते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेल्स, बाई सेल्स, और सेल्स के अमाउंट अमाउंट में लिख देंगे क्या, नहीं, ढूंढेंगे कहीं सेल्स रिटर्न तो नहीं हुआ, अगर हुआ है तो उसका भी बैलेंस क्या करेंगे, लिखेंगे और डिडक्ट करके तब अमाउंट में लिखेंगे, ठीक है। उसके जस्ट नीचे क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक, क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये दोनों करने के बाद अगर अंतर इधर आएगा, आप जानते हैं ना जोड़ घटा के बराबर करना है, अगर अंतर डेबिट साइड में आएगा क्या होगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट, अंतर अगर क्रेडिट साइड में आएगा तो बाय बिल्कुल बाय ग्रॉस लॉस। बात क्लियर है, चलिए क्वेश्चन दे दे करेंगे आप लोग। चलिए अब फॉर्मेट कैसा रहेगा देख लीजिए, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, इससे ज्यादा पूछा है क्या, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, इससे ज्यादा पूछा है क्या, पहला क्वेश्चन चलिए करिए फटाक से करिए, जैसे लोग कर लेते हैं, अगर बैलेंस में अंतर आएगा तो बताइएगा, ज्यादा वैसे सही है क्वेश्चन, आप लोग करिए ठीक है आराम से, फिर बताइए मुझे, एकदम इत्मीनान से करिएगा, जल्दीबाजी नहीं है, मैं कर ले रहा हूँ क्वेश्चन, या तो नोट करने की जरूरत नहीं है आपके, उसमें दिया हुआ नोट में आप डायरेक्टली उसका क्या फॉर्मेट बनाइए सर का, और डायरेक्टली आंसर छापना स्टार्ट करते हैं, समझ गए ना, आपको क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या करिए फॉर्मेट बनाइए लिख दीजिए। आओ जरा आप लिखिए, आइए आप बता आराम से आप लोग करिए, ठीक है, चीटिंग मत करिएगा, काफी इम्प्रूव क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग, तो ये भी आ जाएगा, जैसे पिछला बार आ गया था ना वैसे आ जाएगा। हाँ ये वाला किसान तो दिखा है ना, बाकी की तरह हम पार्क की तरह कर रहा हूं, ये पॉपुलर करेगा
आप बढ़िया तो चलिए अब मैं करके दिखाऊं उसको। ठीक है, एक बात बताइए, सीधी सी बात है, ही बात बताइए। क्वेश्चन मैं वो ले लेता हूँ, आप लोग तो वो है ना, आपके पास होगा ये क्वेश्चन, और मैं एक बार ले ले रहा हूँ फोन में, एक पिक ले ले रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। अच्छा बताइए, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले डेविड साइड की बात करेंगे, वहीं से स्टार्टअप करेंगे। पहला टॉपिक क्या स्टार्ट होगा हम लोग बच्चों? पहला स्टार्ट होगा ओपनिंग स्टॉक, यही ना? ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, इसके बैलेंस को लेकर कुछ सोचने की जरूरत है? नहीं, डायरेक्टली हम लोग का बैलेंस लिख देते हैं। बैलेंस क्या दिया हुआ ओपनिंग स्टॉक का? 15,000। देखिए 15,000 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? लिखा हुआ है। अच्छा, उसकी जो नीचे पर्चेज की बात होती है ना, तो पर्चेज का बैलेंस कितना दिया हुआ है? 80,000 है। लेकिन अभी 80,000 पर ध्यान नहीं, पहले ध्यान देंगे क्या कहीं क्योंकि में पर्चे रिटर्न तो नहीं हुआ है, तो हुआ है डेली। पहली बार तो पर्चेज का लिखेंगे, पर्चेज का बैलेंस कितना है? 80,000 है। और लेस करना है कितना? 5,000, क्योंकि पर्ची रिटर्न दिया हुआ है। अच्छा, 80 में से 5 चला गया, कितना बच जाएगा? 75 लिख दिए। यहाँ कोई डाउट है क्या? नहीं। अगला है डायरेक्ट एक्सपेंस की बात करते हैं। फॉर्मेट याद करिए, पर्चेज रिटर्न के जस्ट नीचे क्या आता है? डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या दिया हुआ पढ़ेंगे आपको? अच्छा, सेल्स डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या? सेल्स रिटर्न नहीं, फ्यूल है, ऑक्ट्राई है, प्रीमाइजिंग है, पैकिंग मटेरियल है, कूलिंग स्टॉक नहीं है, वेटिंग नहीं है, और है म्यूजिक है, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, यानी इतनी सारी चीजें हैं। तो आप टू डायरेक्ट एक्सपेंस लिख के डायरेक्टली डायरेक्ट अमाउंट लिख दीजिए, या ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं कि क्या क्या है डायरेक्ट एक्सपेंस में, वो भी लिख सकते हैं आप। यहाँ ब्रैकेट में आप चाहें तो यहाँ ब्रैकेट बना के आप लिख सकते हैं क्या 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 दिया है। फ्यूल कामा ऑक्टाइड कामा प्रीमाइज रेंट कामा पैकिंग मटेरियल कामा वेजेस कामा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कामा, और सबका बैलेंस जोड़ के, कितना सबका बैलेंस जोड़ने के बाद आ रहा है? 20,000, 20,000 लिखती है। अब इसको छोड़ दीजिए क्योंकि तो लास्ट में निकाला गया है ना, तो इधर का हो गया।
इधर का हो गया ना। अब चलते हैं सेल्स साइड में, मतलब कि क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में सबसे पहले बात किसकी आती है, सेल्स की। सेल्स कितने का हुआ है, 1,25,000 का। अच्छा अभी वैल्यू लिखेंगे क्या, नहीं ढूंढेंगे कि सेल्स रिटर्न तो नहीं हुआ है, तो सेल्स रिटर्न देखिए कितने का है। अच्छा तो मैंने कल ही बात समझाई थी, अगर हम 1 लाख का सामान बेचे हैं, अब कोई हमको 20,000 का सामान वापस लाके कर दिया, तो हम कहेंगे 1 लाख सामान बेचे हैं, कहेंगे 25,000 का सामान बेचे हैं, क्यों, क्योंकि 20,000 का सामान तो वापस आ गया ना। वैसे 1,25,000 का सेल्स हुआ है, लेकिन 8,000 का सामान क्या हो गया है, वापस भी आ गया है, तो 1,25,000 बच जाएगा, 1,17,000। बात क्लियर है, तो लिखेंगे भी बाई सेल्स 1,25,000 और सेल्स रिटर्न कितना 8,000 घटाने पर जो बैलेंस आएगा काट देंगे, कोई दिक्कत अमाउंट में लिख देंगे। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 12,000 दिया हुआ है, 12,000 आराम से लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब जोड़ेंगे जो, तो इधर आ रहा है 1,29,000 किसकी साइड में, क्रेडिट साइड में, और इधर आ रहा है 15,075, कितना हो गया 90, 15 75 90, 90 20, 1,10,000, 1,80,000 आ रहा है, अच्छा 1,80,000 आ रहा है, ये आ रहा है ना, ठीक है। और उधर कितना आ रहा है बच्चों, 1,29,000, कितने का अंतर आ रहा है, 19, किधर आ रहा है, डेबिट साइड में क्रेडिट साइड का, तो डेबिट साइड में अंतर आने का मतलब प्रॉफिट, तो वही लिख दिया गया क्या, टू लिख दिया गया है, टू ग्रॉस प्रॉफिट। अगर अंतर इधर आया होता क्या लिखते, बाई ग्रॉस लॉस लिखते, अगर अंतर आया होता तो, लेकिन अंतर किधर आया है, इधर आया है, इसलिए हमें इधर लिख दिया। बात क्लियर है क्या, सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत। क्वेश्चन बोल दे क्या, लिखेंगे आप लोग करेंगे, एक क्वेश्चन बोले बोलेंगे, हाँ कॉपी में फटाफट लिखिए, फॉर्मेट बना के दिखाइए, ठीक है, आया कई बार पीछे समझ में, कोई दिक्कत। अब जो आप समझे बाबू, अब नहीं समझ में आ रहा है, फॉर्मेट देखिए पहले, फॉर्मेट का तरीका यही होगा। अच्छा एक बार खड़े हो जाइए, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, जैसे कि क्वेश्चन देख रहे हैं ऊपर, ऊपर दिया हुआ है कि ओपनिंग स्टॉक 15,000 है, तो एक फॉर्मेट है, ये तो याद करना है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि वो है, ये तो फॉर्मेट याद कर लीजिए। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग ओपनिंग स्टॉक, क्या लिखते हैं, पार्टिकुलर में लिखेंगे अकाउंट का नाम और अमाउंट में उसका अमाउंट, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक अमाउंट कितना है ओपनिंग स्टॉक का, 15,000 ही लिख दिए, बस यही है, समझ आ रही बात। अब पर्चेज जैसे हुआ है कितने का, 80,000 का, तो 80,000 का पर्चेज हुआ, तो 80,000 उसके सामने लिखे हैं, हाँ कब यहाँ लिखते, जब पर्ची रिटर्न कहीं बात नहीं हुई होती थी, लेकिन क्वेश्चन लिखे पर्ची रिटर्न दिया है, अब किसी टाइम में दिया होगा, दिया है ना पर्ची रिटर्न, कितने का हुआ है, आप 80,000 का आप सामान कर दे और 5,000 का वापस कर दिए, तो अगर कोई पूछे वास्तविक में कितना परचेज किया, क्या पाएंगे, 75, क्यों, क्योंकि 5,000 का वापस होगा, मतलब नहीं है ना, तो वही 80 और 5 दोनों लिखा है, दोनों दिखाएंगे ना फॉर्मेट में, दोनों दिखाएंगे कि दोनों किए हैं, परचेज भी किए हैं, पर्ची रिटर्न भी किए हैं, लेकिन सब मैनेज करने के बाद हमारा बैलेंस कितना मैनेज हुआ, 75,000। बात क्लियर है। अब डायरेक्ट एक्सपेंस की बात आ रही है, डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आता है, जो भी खर्चे आते हैं चीजों को बनाने में, सर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, रूम का रेंट हो गया, या जो भी हो गया, पैकिंग मटेरियल हो गया, नाश्ता पानी का हो गया, जो भी हो गया, जो अलग वर्ड लगेंगे उसका क्या करें, सबका जोड़ के तू डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या लिख देंगे, 20,000। अब तू कैसे कहते हैं, फिर फ्यूल क्या लग रहा, तेल, तेल क्या है एक्सपेंस होगा, अब टाइम नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कोई और वर्ड भी तो नहीं लग रहा है कॉल के अकॉर्डिंग, ये भी क्या हो गया, एक्सपेंसिव हो गया, ठीक है। प्रीमाइन रेंट, रेंट आ गया, सब रेंट मतलब एक्सपेंसिव हो गया, पैकिंग मटेरियल, कोई सामान पैक कराया वो पैसा खर्च होगा, एक्सपेंस हो गया, क्लोजिंग स्टॉक एक्सपेंस नहीं है क्योंकि फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है। और जी रिटर्न एक्सपेंस नहीं हुआ, घटाने का जगह है, वेजेस मतलब मजदूरी क्या है, एक्सपेंस है, और इलेक्ट्रिसिटी भी रेंट एक्सपेंस है, सबको जोड़ के लिख देंगे कितना होगा, 20,000 रुपये, ठीक है, यानी इधर का काम फाइनल हो गया। अब इधर चले जाते हैं, इधर दिया है सेल्स, इधर की फॉर्मेट के बारे में चलते हैं, तो सबसे पहले सेल्स लिखते हैं, तब तो सेल्स रिटर्न लिखते हैं, और तब तो क्लोजिंग स्टॉक, तो सेल्स कितने का है, 1,25,000 का, हाँ 1,25,000 अमाउंट के लिए दिए थे, कब, जब क्वेश्चन में कहीं सेल्स रिटर्न की बात नहीं हुई होती, लेकिन क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न की बात तो हुई है, इसलिए हम दोनों अमाउंट दिखाएंगे, 1,25,000 और 8,000, घटाने के बाद कितना बचा। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 12,000, को भी यहाँ क्लोजिंग स्टॉक, इसमें तो सोचना ही नहीं, डायरेक्टली अमाउंट छाप देना। अच्छा अब ये बात तुम बचपन से पढ़ते आ गए, ये टैली के बचपन से, कि क्रेडिट का डेबिट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट के बैलेंस के बराबर होगा, तो इधर देखिए 1,29,000 आ रहा है टोटल में, और इधर कितना आ रहा है, 1,19,000, 1,10,000 आ रहा है, तो हमेशा बड़ा वाला अमाउंट दोनों साइड में लिखते हैं। अच्छा बताइए 1,29,000 बड़ा है, 1,10,000 बड़ा है, 1,29,000, तो दोनों साइड में क्या लिख देंगे, 1,29,000, 1,29,000। बात क्लियर है,
लेकिन क्या एक्चुअल में 1 लाख 20 हजार आ रहा है, 1 लाख 82 हजार, यानी अंतर आ रहा है। तो अंतर आज तक हम लोग टू बैलेंस कर रही है, हम बाई बैलेंस रही तक करते थे ना, अब क्या लिखेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्योंकि इस चीज मैंने एक दिन बताया था आपको कि अगर मान लो 2% डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, अगर 5 का सामान 10 में बेच दे रहे हो, अंतर किधर आ रहा है, डेबिट साइड कितने का, 5 रुपये, 5 रुपया क्या है, प्रॉफिट है। लेकिन वही अगर डेबिट है और क्रेडिट है, 10 का सामान कर दे, 5 में बेच रहे हैं, और अंतर किधर का आ रहा है, एक साइड में आ रहा है, तो यानी कि क्या है, तो तू 10 का सामान 5 में दे, 5 रुपये का लॉस हो गया ना, समझ में आ गई। अंतर डेबिट साइड में आएगा तभी प्रॉफिट होगा, बात क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, छापिए और उसको क्या करिए, सॉल्व करके दिखाइए जल्दी से, जो करेगा उसको। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, तो बोले चलिए, लिखिए आप लोग, लिख लीजिए परचेज 1 लाख, परचेज 1 लाख हो गया, परचेज 1 लाख हो गया, यस ठीक है। अब लिखिए ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 25,000, हो गया। अब लिखिए फ्रेट, फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज, लिख लेंगे आप लोग फ्रेट चार्ज, फ्रेट चार्ज या RIEGST, फ्रेट चार्ज लिखिए, फ्रेट चार्ज लिखिए, फ्रेट चार्ज, इसका अमाउंट लिख लीजिए 500। बैलेंस मेंटेन भी करना पड़ेगा, दोनों कैलकुलेटर खोल लें। हाँ 500 लिख लिया बाबू। अच्छा अब लिखिए आप लोग क्या बोलते हैं, ऑक्ट्रॉय, OCTROI, OCTROI, ऑक्ट्रॉय लिख लीजिए 250, 250 रुपये, 250। हाँ हो गया, अच्छा ठीक है। अब लिख लीजिए इलेक्ट्रिसिटी रेंट 750, 750 रुपये, 750 रुपये हो गया, हो गया। अब लिख लीजिए पैकिंग मटेरियल, अब लिख लीजिए पैकिंग मटेरियल 350, थ्री फिफ्टी हो गया, सर 350 भाई हो गया। चलिए अब लिखिए सेल्स, सेल्स 20,000, नहीं 20 नहीं कर दी, 50 कर दीजिए, 50,000 हो गया, हो गया। सर और लिखिए क्लोजिंग स्टॉक 25,000, 25,000 हो गया। लिख लीजिए सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न 5,000, सेल्स रिटर्न 5,000 यानी 5,000। क्या वो क्वेश्चन लिख दो क्या विवेक, क्वेश्चन लिख रहे हो, अरे ये सब नोट्स में है भाई, गजब हाल है। मैं जो बोल रहा हूँ उसमें लिखिए आप लोग, सारे नोट्स में है आप लोगों को, मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन करेंगे तभी तो समझ में आएगा आप लोगों को। कितना हो गया, सब हो गया ना, कुछ छूटा नहीं ना इसमें, देख लीजिए तो एक बार ससरी निगाह से सर क्या हुआ, का 50,000, 50 अमाउंट सेल्स का अमाउंट है 50,000, और सेल्स रिटर्न है 5,000, और कूलिंग स्टार कितना है 25,000। बताइए, अच्छा अब बताइए आप लोग, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, और जो भी हुआ है कितने का हुआ है, यही बताना है, देखते हैं कौन कर लेता है, जल्दी करिए टाइम बहुत कम है।
समझदार है, 1.5 घंटे का मरीज पड़ रहा है। और बहुत आसान है बाबू, आप लोग ध्यान से करेंगे सब हो जाएगा। पहले तो पार्ट उठाइए, अब्दुल वाहिद तो पार्ट से ये पार्टिकुलर लगाओ, इसी पार्टिकुलर पार्टिकुलर देखो उसको, पार्टिकुलर लगाओ, पार्टिकुलर 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 तेरे को लगाओ नहीं ठीक पार्टिकुलर ये फिर पार्टी कर देती फिर अभी तक कुछ करना ही बेटर तो नहीं स्टार्ट कर नहीं स्टार्ट सर कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी तो नहीं सब हो गया सबको उसके साथ तो हाँ करना बोले बोले नहीं 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 कोई बात नहीं है, उससे बिगड़ा नहीं है कुछ, मैं बस ये चेक करने का बैलेंस भी है कि कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं, तो दिक्कत क्या है, सही रिटर्न हुआ होगा और नहीं ना, अब गायत्री पार्टी का पहले नहीं ली थी, लेकिन होगा तो दिमाग में चल वेट करो, उसमें लिखा हूँ कोई बात कैसे क्या बोले नहीं। चलिए कोई बात नहीं, हो सकते हैं नहीं बोले हो, बड़े बड़े ठहरे और थोड़ी थोड़ी क्या हो सकते हैं तो क्या हो जाएगा होगी कम सीधा करके बैठिए, फाइनल कॉल मिल जाएगा, वही लाठी लेके चलेंगे ठेंगे जिन्हें गांव में होते हैं तो पता चलेगा इसका हो गया। अरे आप बोल रहे हैं टू टाइम आना भाई, चलिए बताओ जो बताएगा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ बिजनेस में, जल्दी फॉर्मेट रखिए आसान है, क्या हो रहा हो सोच रहे हो, पढ़ाई हुई नहीं लिखा चाहे पियो जाके, पढ़ाई मत करो दूर से आ रहे हैं आप लोग पढ़ना, मेरी बात पढ़े ही लोग क्या हो बिजनेस में प्रॉफिट हो गया, पहली बार क्वेश्चन पूछा वैसे ही लाभ लाभ हुआ है अभी भी दोनों पहले बराबर आना चाहिए, कहां बराबर कौन सा बिजनेस है, ऐसा अरे 1 लाख तो सीधे चले जाएगा, 17 लाख क्या जाएगा इधर जोड़ी हो, 1 लाख तो सीधे से पॉलिसी का बैलेंस हो गया, इतना महंगा गेम दे सर, है का बैलेंस 1 लाख है सुधरा ही नहीं है उसके बाद,
वैसे ही 1 लाख से ऊपर जाएगा। पहले कहा गया ज्यादा लॉस का है, इतना ज्यादा लॉस का नहीं है। इतना आपको तो ये लोग क्या बताइए, बिजनेस में प्रॉफिट है लॉस है? लॉस लॉस है कितने का? 56,800। है बैलेंस आने का मतलब नहीं है ना, ये टोटल बैलेंस कितना आ रहा है? अच्छा प्रॉफिट नहीं हो गया या प्रॉफिट नहीं लॉस हो रहा है ना? सब गलत नहीं है, बिना देखे नहीं बोलूंगा मैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा तभी बोलूंगा। अब्दुल वासिद और भी दोनों लोग आइए, कॉपी भी छोड़ दीजिए, आइए दोनों लोग कॉपी छोड़ दीजिए। देखिए डिपॉजिट होता है इसका, क्या पढ़ रहे हो तुम? प्रिपरेशन का अलग अलग, क्या पढ़ रहे हो तुम? सबसे पहले क्या, बाद में ही सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे, पार्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है? अभी होता है पार्टिकुलर और अमाउंट, बाकी जो है फॉर्मेट। पहले फॉर्मेट से लिख रहे हो, फॉर्मेट में सबसे पहले होता है टू ओपनिंग स्टॉक, क्या होता है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है? उसका बैलेंस यहाँ पे रहता है, उसमें कुछ सोचना नहीं। दूसरा होता है परचेज, क्या होता है परचेज? परचेज का बैलेंस कब लिखेंगे? जब परचेज रिटर्न नहीं होगा, लेकिन अगर रिटर्न होगा तो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे क्या परचेज रिटर्न? अमाउंट लिखेंगे, नहीं होगा तो टैक्स की पढ़ाई अमाउंट लिखेंगे। बाद में उसका क्या लिखते हैं, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या लिखते हैं? जितना भी एक्सपेंस दिया है सब कुछ बोल के डायरेक्टली अमाउंट भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है? इधर का काम खत्म हो गया, अभी इधर आ जाइए। पहले क्या चेक करेंगे, 22 से सबसे पहले क्या आएगा कि इधर 22 लगाते हैं, इधर 2 लगाते हैं यार, ठीक है? ये आपका डेबिट साइड है और ये आपका क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड में 22 लगा के डेबिट साइड में 2 लगा के, और ये 22 सेल्स सेल्स का बैलेंस लिख देते, लेकिन चेक करेंगे कि सेल्स रिटर्न तो नहीं है, अगर होगा तो घटा के जो बैलेंस आए करेंगे। बाद में उसके जस्ट पीछे क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्या होगा क्लोजिंग स्टॉक। बाद में है उसका बैलेंस डायरेक्टली लिखेंगे, उसको सोचना ही नहीं है, जो अपनी स्टॉक लेने की सोचा था क्लोजिंग स्टॉक नहीं। अब दोनों बैलेंस जोड़ोगे किधर तो जोड़ घटाना आएगा, उतना कुछ आएगा, मान लीजिए आ गया 10 रुपये, कितना आ गया, 5 रुपये, तो बड़ा अमाउंट कौन सा है? 10 रुपया, तो 10 रुपया इधर भी लिखोगे, 10 रुपया इधर तो आया ही है, लेकिन इधर भी 10 रुपया लिख दिया, लेकिन एक्चुअल में इधर कितना आ रहा है, यानी 5 रुपये का अंतर आ रहा है, तो वही लिखेंगे 5 रुपया क्या हो गया, टू ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। बात क्लियर हो गया? ठीक है 2 मिनट के बाद उसको मिटाते हैं। लेकिन मान लो कि अब उल्टा हो गया, अब उल्टा हो गया, अब इधर जोड़ने कितना आ रहा है, 10 रुपया आ रहा है, और इधर होने में 5 रुपया, तो बड़ा कौन है? 10 रुपया, तो 10 रुपया इधर भी मिल गया, 10 रुपया इधर, लेकिन इधर एक्चुअल कितना आ रहा है, 5 रुपया जो अंतर आ रहा है ना कितने का, 5 रुपये, ये क्या हो गया लॉस, लॉस हो गया। बात फिर हो गई, चलिए डन है। क्वेश्चन लिखिए सारा, क्वेश्चन दो यही रहो, यही कॉपी लीजिए, अब वापस कॉपी लीजिए इसका, कॉपी क्वेश्चन कहाँ है? 3 कंप्यूटर करिए, कोई नहीं है करिए, अब बताइए करना नहीं है, फटाफट ये मार्क दीजिए, छाप दीजिए, दीजिए ओके। इतना का बैलेंस कितना दिया, देखिए 25,000 है तो कहाँ एक लीटर है, तो 25,000, कंप्यूटर जो 25,000, ठीक है? और परचेज का बैलेंस कितना दिया, सर नहीं लिखेंगे ना, पहले यहाँ लिखेंगे ना पहले, अच्छा रिटर्न नहीं दिया, रिटर्न नहीं दिया, डायरेक्टली ठीक है, लिख दीजिए। हाँ ठीक, तो इसको मिटा दिया जाएगा रिटर्न को, लिखेंगे भी एक, तो क्वेश्चन में नहीं था, फॉर्मेट से हटा देंगे, समझ रहे ना?
फॉर्मेट में रहने के लिए, लेकिन यहाँ पे आप सॉल्यूशन में से हटा देंगे क्योंकि सिर्फ पर्ची का बजट दिया, पर्ची रिटर्न नहीं दिया था, सही है ना। डायरेक्ट पे क्या अमाउंट कितना आया है सब जोड़ने पे 1850 रुपया आ रहा है, कितना आ रहा है 1850। अच्छा यार कहानी खत्म हो गई ना, अब इधर चले जाएंगे सेल्स कितने का दिया है। हाँ घटाने के बाद लिखेंगे ना, क्योंकि सेल्स रिटर्न बोलूँ दिया, सेल्स भी दिया सेल्स रिटर्न यहाँ लिखा पहले, पहले यहाँ पहले लिखेंगे सेल्स का बैलेंस कितना है 50,000। ये 50,000 अब तो सीडेंट भी नहीं होगा, 5,000 घटाने का कितना है, लेकिन यानी अभी बैलेंस हो तो अभी बैलेंस मतलब यानी कि अमाउंट वाले बैलेंस कितने होगा तो ये शक नहीं कर सकते, ठीक है ये था खरीदारी की बैलेंस। अब कुछ है इसके बाद तो ये है ना, चलिए पहले जोड़िए दोनों फिर का कितना आ रहा है, इधर आ रहा है 1,26,850 और इधर आ रहा है 65,000, 65,000 45,000 45,000 और जगह रही 1,26,000 तो जो बड़ा है दोनों साइड में करेंगे तो क्या तो 1,850 देखिए जैसे 1,26,000 यहां नहीं टोटल बैलेंस बैलेंस 1,26,850 और यहां भी करेंगे बताओ अभी भी करेंगे। हाँ ठीक है 1,26,850 इधर आ रहा है एक्चुअल कितना आ रहा है 17,000 और देखिए कितना आ रहा है बराबर करना पड़ेगा ना, 1,26,000 कितना घटा देंगे 70,000 घटा देंगे कितना बचेगा 56,000, देखिए यहाँ पर 56,000 कितना है जब इधर 8,000 यही अंतर आ रहा है, तो इधर अंतर आने की मतलब क्या लॉस इन प्रॉफिट है क्या लिखेंगे भाई। हाँ देखो बस हो गया आ गया समझ में, तो कुछ आता लेकिन नहीं आता है टीचर टेस्ट वाले रवि वो दिक्कत है क्या, क्या बताइए ठीक एक पद भी है इनका सब छूटा हुआ है, इनको आ गया आपको नहीं आया बताइए, कोची खड़े हो जाइए क्या नहीं आया इसमें समय बताइए अपना पॉइंट बताइए, एक ठीक मिनट दीजिए आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में ठीक है।